जनपद सीतापुर के विकासखंड मोहली ग्राम पंचायत बंजरिया के विक्रमपुर गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां राजा राम ने बताया हमारे पास रहने के लिए कोई पक्की छत नहीं है। हम झोपड़पट्टी में गुजर बसर कर रहे हैं। बारिश होने पर परिवार सहित एक कोने में बैठना पड़ता है। राजा राम ने बताया यहाँ के सेक्रेटरी राम लखन है, जो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते। राम लखन सेक्रेटरी हमसे बात करने पर उनको बड़ी कठिनाई होती है। हमने कई बार सेक्रेटरी राम लखन पंचायत मित्र व प्रधान से कई बार आवास के लिए कहा, तो उन्होंने कल परसों करते हुए बराबर डाल रहे हैं और जो पैसा देते हैं उन्हीं को आवास शौचालय दिया जाता है। विक्रमपुर गांव में लगभग 80% व्यक्तियों को आवास व शौचालय नहीं दिए गए। यहां सेक्रेटरी पैसे की उम्मीद में जुटे हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजा राम। ये कौन सा गाँव है? विक्रमपुर। अच्छा, जैसा कि आप पन्नी तान के रह रहे हैं झोपड़पट्टी में, हाँ। आपको आवास नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। अच्छा, आपके पास कोई रहने के लिए पक्की छत है या नहीं? कोई ना है। अच्छा, इसके बारे में आवास के लिए प्रधान जी से कहा नहीं आपने? कहा, कहे हम, लेकिन वो कहा बन जाएगा, आज तक अभी कोई सुनवाई ही नहीं रही। अच्छा, अब बारिश होने लगती है तो बड़ी समस्या होती है। अरे भाई, बहुत समस्या होती है, बैठे रहे रात भर, अगर बरसा है तो रात भर बैठे बैठे गुजर जाते हैं। क्या नाम बताया ना? राजा राम। कौन सा गाँव? विक्रमपुर ब्लॉक मोहली। ऑनलाइन भारत के लिए प्रेम किशोर की रिपोर्ट। टूरेंट के खिलाफ प्रसपा ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अधिकारी ने उनको आश्वासन भी दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रगतिशील समाजसेवी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष इमरान कुरैशी के नेतृत्व में सोमवार को सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम के नाम एडीएम सिटी को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि टूरेंट के लगे मीटर इस दौर रहे हैं, इनको बेंगलुरु के इंजीनियर से चेक कराना चाहिए। कंपनी में शहर के लोगों को अधिक रोजगार मिलना चाहिए। पुरुषों की अनुपस्थिति में कंपनी के कर्मचारी घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करते हैं। सरकार के साथ जितने रुपए यूनिट का कंपनी का समझौता हुआ था, उससे अधिक कंपनी वाले लोगों से वसूल कर रहे हैं, जिस पर नियम लागू होना चाहिए। बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से राशन मुफ्त मिल रहा है और उनसे टोरेंट अधिकारी काफी रुपए प्रतिमाह वसूल रहे हैं। विधवाओं को निःशुल्क बिजली मिलनी चाहिए। कंपनी द्वारा करीब 1,00,000 लोगों का गलत असेसमेंट बनाया गया है, जो कि सही होना चाहिए। इसके साथ ही टोरेंट का कार्य होने पर नगर निगम का अभियंता आए और एनओसी जारी करें। इस दौरान इमरान कुरैशी ने कहा कि यदि हमारी यह मांग जल्दी पूरी नहीं होती है तो प्रसपा के कार्यकर्ता टोरेंट के कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। क्या कर पाएगा फिर? वही टोरेंट पावर के कर्मचारी आते हैं, वही 20,000 रुपए में समझौता कर लेते हैं। ये जाने कैसे कर लेते हैं, आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ा। कई बार टोरेंट देखिए, आप अभी तक जो धरना प्रदर्शन हुए, अभी तक जो हुए किसी पार्टी और हम ये प्रगतिशील समाज। ऑनलाइन भारत के लिए संदीप उपाध्याय की रिपोर्ट।